एक पुरानी कहावत है, कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और ये गाहे बगाहे हम देखते भी हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात हो, तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं, तमाम ऐसे शख्सियतें हैं जो अपनी जीत का क्रेडिट या अपने फेम का क्रेडिट, अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी बीवियों को देने में बिल्कुल गुरेज नहीं करते। और सिर्फ बीवी ही क्यों, अगर महिला की बात करें तो उनकी कामयाबी के पीछे उनकी माँ भी हो सकती है, उनकी बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है, महिला दोस्त भी हो सकती है। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास हैं। हमारे पास रोहित शर्मा है, हमारे पास विराट कोहली हैं, हमारे पास युवराज सिंह हैं। वो इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं कि जहां पर वो हैं वो आज कहीं ना कहीं उसमें उस क्रेडिट में अपनी धर्मपत्नी को शामिल करते हैं। और विराट कोहली तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि विराट कोहली हमेशा अनुष्का शर्मा के साथ दिखते हैं, अनुष्का शर्मा की केयर करते दिखते हैं, और कई बार वो अनुष्का शर्मा को लेकर ये बोल भी चुके हैं कि अपनी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो अनुष्का को देना चाहते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उनके घर वालों ने भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लेडी लक जो है ना वो हमारे स्पोर्ट्स स्टार को बहुत ज़्यादा जिताने में काम आती है। और या फिर यूं कहें कि अगर एक महिला का सपोर्ट होना तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, और ऐसे में इस टीम में भी दो ऐसे शानदार प्लेयर्स हैं जो लेडी लक की वजह से आगे आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से हैं, तो बहुत आसान है, सरफराज खान और रजत पाटीदार, जिनको लेडी लक की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिला है इंटरनेशनल मैचेस खेलने का, टीम इंडिया का पार्ट होने का। क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स काफ़ी लंबे समय से घरेलू मैच में कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है लेडी लक की, और बस फिर जो कमाल होता है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफराज खान की। पिछले साल 6 अगस्त को रोमाना जहूर से निकाह करने वाले स्टाइलिश बैटर सरफराज को इंटरनेशनल डेब्यू के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए शतकीय पारियां खेलने के बावजूद उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल शादी के बाद किस्मत उन पर मुस्कुराई और लेडी लक और कड़ी मेहनत के कारण राजकोट में उनका इंतजार खत्म हुआ। अब सरफराज खान और उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और अगर आपने विजुअल्स देखे हों, जब डेब्यू किया था सरफराज खान ने, तो उनकी धर्मपत्नी और उनके पिताजी खुद मैदान में आए थे, और वो मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मतलब अगर आपने वो मोमेंट नहीं देखा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि वो एक बार मोमेंट ज़रूर देखें, जब उन्होंने डेब्यू किया और दोनों सरफराज खान के साथ खड़े थे। सरफराज खान ने अपने पिता को गले लगाया और वहीं पर उनकी पत्नी जो थी वो बुरके में थी, तो ये मोमेंट बहुत ही लाजवाब था। और ये पता चलता है कि आप कितनी तरजीह देते हैं अपनी लेडी लक को। तो इनकी लव स्टोरी क्या है वो आपको दिखाते हैं। 26 वर्षीय सरफराज की बीवी रोमाना जहूर कश्मीर के शोपियां जिले की रहने वाली हैं। दिल्ली से बीएससी करने वाली रोमाना और सरफराज की कजन क्लासमेट थे। इस कजन के साथ रोमाना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सरफराज का मैच देखने पहुंची। साथ ही इन दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। सरफराज ने अपनी कजन से बातचीत में रोमाना से शादी की इच्छा जताई। बाद में दोनों के परिवारों की सहमति से 6 अगस्त 2023 को कश्मीर में दोनों की शादी हुई। तकदीर में यकीन रखने वाले सरफराज ने अपने निकाह के दौरान कहा था, मेरी तकदीर में कश्मीर में शादी करना लिखा था, अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो एक दिन भारत के लिए जरूर खेलूंगा। तो बस फिर क्या था, निकाह के मात्र 6 महीने बाद उनका ये जो ये सपना था वो एक हकीकत में बदल गया। और आज जो सरफराज खान है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और इसमें लेडी लक कितना ज़्यादा रोल निभाती है ये कहने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब अगले खिलाड़ी की तरफ चलते हैं, रजत पाटीदार, जिनका डेब्यू हुआ था इसी टेस्ट सीरीज़ के दौरान, इंग्लैंड वर्सेज इंडिया की टेस्ट सीरीज़ के दौरान, और विशाखापट्टनम में मैच था। हालाँकि रजत पाटीदार का ये डेब्यू इतना ज़्यादा शानदार नहीं रहा, लेकिन ये डेब्यू करने का मौका उनको अपनी लेडी लक की वजह से कहीं ना कहीं तो जरूर मिला है। कैसे आपको बताते हैं। घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश और सेंट्रल जोन की ओर से रनों का अंबार लगा चुके रजत पाटीदार, पिछले महीने इंडिया ए की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए रजत ने 2 शतक जड़े थे। रजत ने आईपीएल 2022 में आरसीबी की ओर से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 गेंदों पर 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 112 रन की पारी खेली थी। इस पारी में उन्होंने महज 49 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया था और विराट कोहली ने भी रजत की जमकर प्रशंसा की थी। मजे की बात तो ये है कि उस आईपीएल सीजन के ऑक्शन में रजत बिक नहीं सके थे और लवनीत सिसोदिया के चोटिल होने के बाद 20 लाख रुपए में उन्हें आरसीबी का हिस्सा बनाया गया था।
अनसोल्ड रहने के बाद रजत ने मई में शादी प्लान कर ली। 9 मई 2022 का वो दिन था जब रजत की शादी तय हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान आरसीबी की तरफ से रजत को कॉल आता है कि वो आरसीबी का हिस्सा हो सकते हैं, और रजत ने भी बिना कुछ सोचे अपनी शादी को तरजीह नहीं दी बल्कि खेल को तरजीह दी। उन्होंने अपनी शादी को टाल दिया और बस वो फिर आईपीएल का हिस्सा बनने चले गए। आईपीएल से फुर्सत पाने के बाद उन्होंने जुलाई 2022 में गुंजन से विवाह रचाया। दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले भी रजत भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। मई 2023 में उनकी एड़ी की सर्जरी हुई और उसके बाद उन्होंने टीम में अपना स्थान बनाया। रजत ने पिछले साल मीडिया से बातचीत में कहा था, अब थोड़ा बहुत डेस्टिनी में भरोसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचूं और वर्तमान पर ध्यान दूं। वनडे और टेस्ट में अब तक रजत कुछ खास नहीं कर पाए। उम्मीद की जा रही है कि सरफराज की तरह उनका लेडी लक भी जल्द से जल्द चमकेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी महिला हो, चाहे वो आपकी मित्र हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी माँ हो, अगर उसका साथ आपके पास है तो आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होगा। तो चलिए, विमेंस डे पर आप भी अपनी फेवरेट महिला के नाम संदेश लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सी लेडी लक आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो आपको लगता है कि लेडी लक की वजह से चमका है। ज़रूर लिखेगा। विमेंस डे पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिकेट ज्ञान देखते रहिएगा।